राजेश सोटे पहले ओवर के साथ और सामना करेंगे उनका किरण पवार। नॉन स्ट्राइक पर बंटी है, मैच हो रहा है। धनेश इलेवन डिंग डोंग बनाम बादशाह इलेवन चीता कैम के बीच में। बढ़िया गेंद विकटों में थी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत। देखिए राजेश सोटे की अजय हम बात करें तो ये विकेट टू विकेट ज्यादा गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद तो विकेट टू विकेट ही थी और बहुत अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी। सोटे फिर से यॉर्कर, फिर से मजबूर किया बैट्समैन को डिफेंड करने के लिए। क्या स्टार्ट किया है राजेश सोटे ने, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनको मिला है। दो ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट्स और इस मैच में भी बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। हाथ खोलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहते हैं। किरण पवार को खामोश रखा है पावर प्ले में। इस मरतबा बैक फुट पे गए, बहुत ही करारा पंच स्ट्रोक, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रन। थोड़ी सी जगह दे बैठे इस बार, उसका पूरा फायदा उठाया है किरण पवार ने। गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी ताड़ लिया था, बैकफुट पर जाकर जोरदार प्रहार किया कवर्स के ऊपर से। लेग कटर थी लेकिन थोड़ी सी विड्थ थी, उसका फायदा उठाया है। बहुत अच्छा स्ट्रोक, पहले मैच में भी 14 रन बनाए थे किरण पवार ने। चौके से खाता खोला, चौके से खाता खुलता हुआ बादशाह इलेवन चीता कैम का। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022। इस मरतबा ऑन द राइस खेला, हालांकि बल्ला ज्यादा घूम गया था। गेंद वाइड स्टीप मिड विकेट पे फील्ड भी, 1 रन। 5 पे पहुंचे किरण, कुल स्कोर को भी पहुंचा दिया बादशाह इलेवन के 5 रन बिना किसी विकेट के। सिद्दीक जी, किरण पवार की बल्लेबाजी यदि हम देखें तो पिछले 2 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है उनकी बल्लेबाजी में। पहले तो मतलब कुछ एरियाज थे जहां पर काम करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उन पर उन्होंने काम भी किया है। सोटे की गेंद, इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा होता हुआ वहां पर बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी और मौका था वहां पर विकेट कीपर के लिए। जी हाँ, ये एक रेगुलेशन कैच मैं समझता हूँ योगेश पेंडकर के लिए। इनसाइड एज लगा था, ज्यादा मुश्किल अवसर नहीं था। राजेश सोटे इस मरतबा फिर से यॉर्कर, बल्ले की जड़ से जैसे तैसे उसे ऑन साइड में धकेला। देखिए क्या बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ गेंदे टिप्पा खा के अंदर आ रही है, कुछ परफेक्ट यॉर्कर कर रहे हैं। और पिछले मैच में भी पहले ओवर में उन्होंने 2 रन दिए थे, इस मैच में उन्होंने कितने रन दिए, 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। इट हैज बीन अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग एंड विकेट टू विकेट बॉलिंग फ्रॉम राजेश सोटे। केवल एक थोड़ी कमजोर गेंद रही थी जिस पर चौका हासिल करने में कामयाब रहे थे किरण पवार। मौका भी निर्माण किया गया था उनके द्वारा लेकिन कैच ड्रॉप हुआ विकेट कीपर के हाथों से। तो पहले ओवर में 7 रन मात्र बने हैं। धनेश इलेवन डिंग डोंग टीम इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई बादशाह इलेवन चीता कैंप के सामने। यस, मुकाबला चलता हुआ धनेश इलेवन डिंग डोंग, पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और विश्वास पाटिल, सामने जो टीम है वह बादशाह इलेवन चीता कैम। देखिए बादशाह इलेवन को अब बल्लेबाजी की बादशाह दिखाना होगी क्योंकि सामने बहुत मजबूत टीम है। माना के पहले मैच में कृष्णा सातपुते नहीं चले लेकिन उनके पास वो क्लास है, वो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। और ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। जीतने वाली टीम सुपर फोर में पहुंचेगी, हारने वाली टीम के पास हालांकि एक और मौका रहेगा लेकिन कोई भी टीम यहां पर हारना पसंद नहीं करेगी। नाजिम गुल्ली नया ओवर लेकर तैयार होते हुए। उंगलियों के जादूगर, गुजरात के उंगलियों के जादूगर नाजिम गुल्ली सामना करेंगे उनका बैट्समैन किरण पवार। फील्ड की जमावट देखिए, लगभग एक डिपिच गली के तौर पे रखा गया है। जो शॉर्ट टर्म है वो बहुत ही फाइन खड़ा है, शॉर्ट फाइन लेग भी बहुत फाइन है। एक्स्ट्रा कवर में 30 गज के दायरे पे खिलाड़ी है, मिड ऑफ के खिलाड़ी को वाइडिश रखा है,
मिडॉन को थोड़ा स्टेटिच रखा है और तीन खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर है वो बाउंड्री पे रख दिए गए हैं। नाजिम गुल्ली उंगलियों के जादूगर, इस मरतबा गेंद को आने दिया, हुक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ और गेंद पहले बाउंस पे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। दूसरा चौका इस मैच का, पहली गेंद नाजिम गुल्ली की थोड़ी पीछे रखी हुई थी, समय मिला बैट्समैन को, टर्न हुई थी गेंद लेकिन काफी समय था बैट्समैन के पास, बैकफुट पर जाकर यह स्ट्रोक खेला गया है। अच्छे कंट्रोल के साथ देखिए बल्ले को रोल करते हुए खेला है। देखिए नाजिम गुल्ली की खासियत है कि दोनों तरफ स्पिन करते गेंदों को, लेग ब्रेक में बीच बीच में गुगली का अच्छा मिश्रण करते हैं। चौके की मदद से किरण पवार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल 9 पर और स्कोर पहुंचा है 11 पर। इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, गेंद दर्शकों को सलामी देती हुई स्टैंड में, 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर। दोनों तरफ जरूर टर्न कराते हैं गेंद को नाजिम, लेकिन इस लेंथ पर रखेंगे तो फिर वो टर्न कहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ओवर पिच थी, सामने खेला और सीधे हाजी समझ से स्टैंड में। किरण स्ट्राइक, किरण पवार अपना पावर दिखाते हुए, ये देखिए क्या खूबसूरत कैमरा वर्क है, उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचा है 17 रन। पारी को बहुत अच्छी तरह से पेस करते हुए किरण पवार, पहली दो गेंदें जो उन्होंने खेली थी वो डॉट रही थी लेकिन उसके बाद चौके से खाता खोला और रईस ओवर में नाजिम गुल्ली की अच्छी खबर लेते हुए पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। पहले मैच में बादशाह 11 चिता कैंप ने TWJ डोमिनेटर गोहागर टीम को परास्त किया था और जो दूसरा मुकाबला थोड़ी देर पहले खेला गया उसमें धनेश 11 डिंगडोंग टीम ने उमेश 11 SSP वर्ली टीम को मात दी। तो दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है और जीती हुई टीमों के बीच का ये संघर्ष है। अगला मुकाबला TWJ डोमिनेटर और उमेश 11 SPP वर्ली के बीच रहेगा। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। थोड़ा समय लिया गया है वहां पर सिक्सर लगने के बाद, योगेश पेंडकर भी चले गए थे गेंदबाज के पास। दो चौके एक सिक्सर लगा चुके हैं वहां पर किरण पवार, कुल स्कोर है 17 रन। नाजिम गुल्ली हाजी समझ से डिस्टेंड की तरफ से आते हुए किरण पवार के लिए, बैकफुट पे गए, बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में हाथ लगा दिया, गेंद मिड ऑफ पे गई, कोई रन नहीं। बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी थी, इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गैप में खेलने का प्रयास था वहां पर, संभवतः एक्स्ट्रा कवर की दिशा से निकालना चाहते थे। नाजिम गुल्ली इस मरतबा आड़े बल्ले से खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, स्लॉक किया और गेंद पहले बाउंस पे वैकेंट एरिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, चार रन। जैसे ही गेंद हाथ से छूटी थी उन्होंने परख लिया था कि ये ऑफ ब्रेक है, ये देखिए अंदर की तरफ स्पिन हो रही थी, विद द स्पिन खेला है, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए किरण पवार। लेग ब्रेक में गुगली का मिश्रण किया था और जल्दी पढ़ लिया वहां पर, मिड विकेट का खिलाड़ी 30 गज के दायरे पे था, गेंद उनके सर के ऊपर से जाती हुई, चार रन। इस चौकी की मदद से स्कोर 21 रन बिना किसी विकेट के, बादशाह 11 चित्ता कैम ट्रांबे। देखिए आज ये रणनीति थोड़ी किरण पवार ने बदल दिए, वो चाहते हैं पिछले मैचेस को देख करके कम से कम 70 के करीब पहुंचा जाए क्योंकि सामने की टीम की जो बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ है उसको नापा जाए। जी हाँ, पहले दो मुकाबले जो हुए हैं उसमें स्कोर अंडर 60 रहा है और चेस करने वाली टीमें जीती है, तो उसको देखते हुए निश्चित रूप से ज़्यादा रन्स बनाने का प्रयास हो रहा है और किरण पवार को एक बहुत ही शानदार शुरुआत मिली है। अब कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक लंबी पारी खेले यहाँ से। देखना है कि नाजिम गुल्ली को जाकर कुछ समझाया है कृष्णा सातपुते ने, जो इस वक्त कृष्णा सातपुते इस वक्त
कवर पॉइंट पे है, टेनिस क्रिकेट का कोहिनूर हीरा कहाँ जाता है साथ में देखो। देखिए ऑफसाइड में स्पिन के लिए फील्ड जमाया गया है, स्मर दबा बढ़िया गेंद, तेज परिवर्तन के तौर पे मजबूर हो गए बैट्समैन डिफेंड करने के लिए। और टप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई थी, इनसाइड एज लगा था वहां पर, थोड़ी हड़बड़ाहट के साथ खेल पाए थे इस बार किरण पवार। नाजिम गुल्ली अच्छा बैटल चल रहा है, इस मरतबा बैकफुट पे गए, क्रैक किया है लेकिन पीछे खिलाड़ी, बहुत बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक रन दिया है, गजब की फील्डिंग। जिग्नेश पटेल थे वहां पर कवर्स में फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा एंटिसिपेशन था उनका और निश्चित रूप से कुछ रन उन्होंने बचाए अपनी टीम के लिए। सिंगल आया है अंतिम गेंद पर, पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर हुआ है 22 रन बिना किसी नुकसान के। अजय, डू यू थिंक दिस इज द गुड टोटल इन मैंडेटरी पावर प्ले कोटा? देखिए अच्छा स्टार्ट है मैं समझता हूँ बैटिंग करने वाली टीम के लिए, क्योंकि विकेट एक भी गिरा नहीं है। ये अमित दुजमान सारी साहब को हम देख रहे हैं, महबूब कोरी साहब भी उनके साथ है, अन्य मेहमान है, मंच तो पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। और टोटल का जहाँ तक सवाल है, अच्छा टोटल इसलिए है कि विकेट गिरा नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं बादशाह 11 चीता कैंप के लिए। और किरण पवार खासतौर पर बहुत ही बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं, देखना है कि राजेश सोटे को कंटिन्यू रखा गया है। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में भी राजेश सोटे ने गजब की गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी भी की थी। सामना करेंगे बैट्समैन किरण पवार। राजेश सोटे आइकॉन प्लेयर थे आरडी 4440 ओली टीम के बीपीएल सीजन 2 में, और बहुत बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था। इस मरतबा गेंद को आने दिया, बहुत ही नजाकत से गेंद को खेल दिया है गली के बगल से, बहुत अच्छा बैकअप किया था कवर के फील्डर ने, जाकर बैकवर्ड पॉइंट पे 2 रन। बिल्कुल आपने गौर किया होगा कि गेंद की लेग साइड पर ज्यादातर खड़े रहते हैं किरण पवार, यानी कि बैकफुट पर खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और थोड़ी भी पीछे रखी हुई गेंद आती है तो उसको खेलने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेट और ग्रेट शॉट, इंतजार किया और बल्ले के मुंह को खोला सोटे। इस मरतबा घुटना टेक के खेलना चाहते थे, वाइड घोषित के अंपायर ने, एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पे पहुंचा है। पहले ओवर में दबाव बनाया था सोटे ने, लेकिन दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं नाजिम गुल्ली उतना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, फिर वाइड। हालांकि उनका रनअप इतना ज्यादा नहीं है लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी है, और इन कटर गेंदबाजी के लिए खासे जाने जाते हैं राजेश सोटे। दोनों तरफ कट करा रहे हैं, हमने देखा है कि पिछली गेंद भी बाहर की तरफ निकाली थी उन्होंने, लेकिन दिशाहीन रही। इस मरतबा एज एंड गॉन, सेकंड कोशिश में योगेश पेनकर ने कैच को आखिरकार लपक लिया। किरण पवार के विरुद्ध ये गेंद काफी कामयाब गेंद मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बैकफुट पर ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। और ये देखिए बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे, फुल लेंथ गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी थी, लेकिन दोबारा मौका मिला योगेश पेंडकर को और उसके बाद कोई गलती नहीं की, थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी। अभी फ्रॉम द बॉडी खेलने का ये नतीजा कि बैट्समैन आउट। पहला झटका यहाँ पे लगा है बादशाह 11 चित्ता कैम को, और कुल स्कोर है 26। आउट होके चले गए किरण पवार, लेकिन बढ़िया स्टार्ट किया, 23 रन अपने टीम के लिए बनाए, उनकी जगह नए बैट्समैन। आकाश नए बल्लेबाज, यस आकाश चिंदारिया आए हैं, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही दिलकश शॉट्स खेले थे ऑफ साइड ऑन साइड में, 21 रनों की अच्छी पारी खेली थी। आकाश चिंदारिया इज द न्यू मैन इन, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर है 26 रन। सोटे लगातार विकटे पर विकटे ले रहे हैं, पहले मैच में भी कमाल की बॉलिंग की, इस मैच में भी वो अभी तक, हालांकि 2 वाइट कर चुके हैं लेकिन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। राजेश सोटे आकाश के लिए, अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव पुश, विकेटों को कवर करके खेला, कोई रन नहीं। अजय क्या लगता है, सोटे विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं?
जी हाँ, और उसका फायदा भी तो मिल रहा है उनको। सोटे, ओ बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानी भाई, आखिरी मोमेंट पे तिरछे बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट पे दिशा दी आकाश ने। एक रन से स्कोर 27 रन पे पहुंचा है बादशाह 11 चित्ता कैम का, एक विकेट गंवाने के बाद। एक और अच्छा ओवर साबित होता हुआ राजेश सोरटे का। राजेश सोरटे इस मरतबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर, हाई एंड हैंडसम 6 रन। कमाल का स्ट्रोक था ये, पूरी ताकत झोंक दी थी बंटी बद्रिके ने। इस ओवर में विकेट जरूर गिरा है, लेकिन बंटी को पता है कि उनका रोल अब यहाँ से क्या है। अभी तक किरण पवार आक्रामक खेल रहे थे, वो आउट हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन पोजीशन में आकर स्विंग किया है, हालांकि गेंद बुरी नहीं थी लेकिन शॉट बहुत ही उम्दा। वही मैं कहने वाला था कि गेंद में कुछ खराबी नहीं थी, शॉट बनाया वहां पर, और ये देखिए कितना दूर दे मारा है गेंद, तारा मंडल की सैर करती भी आप जाकर जमीन पे आती भी। क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मोविस का, और क्रीज की गहराई का कितना अच्छा उपयोग करते हैं बल्लेबाज आजकल। क्रीज में बहुत पीछे खड़े थे पहले ही, और इसीलिए वो लेंथ बॉल को आसानी से खेल पाए ऑन साइड में। 33 रन पहला अटैक किया है सोटे पे, इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। वाइड बढ़िया विकेट कीपिंग योगेश पेनकर की, ये तीसरी वाइड गेंद है इस ओवर की, काफी लंबा चल रहा है राजेश सोटी का ये ओवर। एक बड़ा हिट भी आया है, तो अब कहीं ना कहीं उनके ओवर का विश्लेषण थोड़ा सा खराब होता हुआ। स्कोर 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। राजेश सोटे अच्छी गेंद, स्टंप को कवर किया, पुश किया, रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर आकाश ने। तो इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई बादशाह 11 चीता कैंप 34 रन और एक विकेट। सामने टीम जो है पांडुरंग धर्मा पाटिल विश्वास पाटिल फैम टीम धनेश 11 डिंग डोंग। बचे हुए 3 ओवर में क्या लक्ष्य रहेगा सामने डिंग डोंग धनेश 11 के। ये देखिए स्कोर कार्ड भी दिखाया जा रहा है, तो क्या लक्ष्य रहेगा आइए सुनते हैं रिंग्स ब्रेक मैदान में उस आवाज से जो ओपन क्रिकेट की सबसे मैच्योर आवाज है, मुंबई की आवाज है, वह है चंदू सर। किरण पवार ने 23 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया। आकाश एक रन पे खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया। बंटी ने 7 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया है। मागील 2 मॅचच्या तुलनेत जर पाहिलं तर हरिसर एक बऱ्यापैकी सुरुवात आहे, आणि 34 धावा 3 षटकांमध्ये, अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे। याच गतीने जर धावा येत राहिल्या तर 71 पर्यंत धावा जाऊ शकतात म्हणजे, आणि ही खरंच मॅच चुरशीची होईल, कारण दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत। एका बाजूला जर पाहिलं तर अनुभवी खेळाडूंचा संघ आहे धनेश 11 डिंग डोंग, आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर बादशाह 11 अर्थातच फर्स्ट स्ट्रायकर, आणि तर पाहूया या मॅच मधील उर्वरित 3 ओव्हर कशा प्रकारची कामगिरी होईल। जिग्नेश यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवण्यात आलाय, परंतु दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर मैदानात आपण बंटी बद्रिके आणि त्यांच्या बरोबरीने जर पाहिलं तर आकाश चिंदारिया, एक रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील लोधीलू गावचे खेळाडू आहेत बंटी बद्रिके, आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर सध्या चांगल्या फॉर्मात असणारे खेळाडू आकाश चिंदारिया। गुजरातचे गोलंदाज जिग्नेश पटेल यांच्या गोलंदाजीचा सामना कसा करतील, आणि दुसऱ्या बाजूला योगेश पेनकर देखील विकेट त्यांनाही पाहिजे असणार आहेत। एक विकेट 34, जिग्नेशचा चेंडू ऑप्टमच्या बाहेर, तिकडनं थोडासा कट होत असताना कमी गतीने आला जातोय, थेट यष्टीरक्षक योगेश पेनकरच्या हात यांच्या हातात निर्धाव चेंडू। सुरुवात तर चांगली केली आहे जिग्नेश यांनी आकाशच्या विरुद्ध, या वेळेला बिग हिट केला जातोय आकाश चिंदारियाने, बॉलला दाखवलं आकाश, आकाश भेदी फटका आकाश चिंदारियाचा षटकार। क्या शॉट मारा है, मतलब मराठी में मध्ये ते एक म्हण आहे चिंदड्या उडवल्या चिंदारियाने, उस तरह का वो शॉट था। याच साठी ओळखले जातात, खूप चांगल्या फॉर्मात आहेत। नुकतं जर पाहिलं तर
गेल्या एक दीड महिन्यात जर पाहिलं तर खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतायत, मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवल्यात, फोर स्ट्रायकरला खेळत असताना आकाश चिंदारे याने हो यावेळेला आणखी चांगला चेंडू जिग्नेशकडून पाहायला मिळतो. चांगलं दोघांमधील युद्ध रंगताना पाहिलं मी, ते बाईच्या स्वरूपातील धाव आहे. एकाने षटकार मारला तर लगेच दुसऱ्या बॉलवर प्रत्युत्तर जिग्नेशनेही दिलं. पहिला चेंडू जिग्नेशचा होता, दुसरा चेंडू आकाशचा होता आणि तिसरा चेंडू पुन्हा जिग्नेशचा होताना पाहायला मिळतोय. हे समीकरण या दोघांमधील जे युद्ध चाललंय ते चांगल्या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आता बंटी स्ट्रायकवर येताना आपल्याला पाहायला मिळतील. बंटी बद्रिके ज्याने देखील मागील 2 वर्षात आपली नाव व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचं देखील डंका पिटण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलाय. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये मोठमोठे संघ आता त्यांचीही दखल घेऊ लागलेले आहेत. यावेळेला या फटक्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. बॉल थोडासा बाजूला गेला, नुसता बाजूला गेला नाही तर सीमा रेषा पार देखील जाताना पाहायला मिळतोय. चौकार. सबसे बड़ी बात यह है कि जहाज का कप्तान अगर गलती करे तो जहाज का क्या होगा. विजय पावले शारीरिक रूप से वहां उपस्थित थे, मानसिक रूप से नहीं थे. और बंटी बद्रिके, मेरी जिंदगी में चंद्रकांत जी मैं 2 बद्रिके को मानता हूं, एक चला हवा योद्या के कुशल बद्रिके और बंटी बद्रिके. याही वेळेला आक्रमण केलं जात आहे परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक त्यांना पाहायला मिळत आहेत. विजय पावले स्वतःवर नाराज आहेत कारण या अगोदर धावा आल्या होत्या परंतु विकेट आली आहे, हे तेवढंच महत्वाचं. आणि बंटी माघारी परतताना पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर 4th सुरू होतो, ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू होता सर आणि तिकडनंच तो खेळण्याचा प्रयत्न तसाच झाला आणि विजय पावले यांनी कॅच पकडली. धावसंख्या जर पाहिली तर 45 धावा धावफलकावर असताना. परंतु सर आपण टेनिस क्रिकेटची चर्चा करतोय आणि याच टेनिस क्रिकेटने दिलेली एक अनमोल देणगी म्हणजे प्रवीण तांबे सर, त्यांचा उल्लेख या ठिकाणी नक्कीच करायचा आहे. कारण या टेनिस क्रिकेटने दिलेला खेळाडू 41व्या वर्षी IPL खेळू शकतो, 43व्या वर्षी गोल्डन बॉल घेऊ शकतो, 49व्या वर्षी कॅरेबियन प्रीमियर लीग खेळू शकतो आणि जिंकू शकतो. त्या थक्क करणारा परफॉर्मन्स त्यांचा पाहायला मिळतोय आणि त्यांचा कोण प्रवीण तांबे हा सिनेमा 1 तारखेला रिलीज होतोय. टेनिस क्रिकेटच्या प्रत्येक चाहत्याला आमची विनंती असेल, आव्हान असेल, आपल्या टेनिस क्रिकेटने दिलेला एवढा मोठा खेळाडू त्यांच्यावर सिनेमा बनतोय तर तो सिनेमा तुम्ही नक्की पहा. टेनिस क्रिकेटने कई बडे बडे दिग्गज खिलाडी दिए. आज देखिए नवदीप सैनी जैसा खिलाडी देखिए, नटराजन देखिए, सबने टेनिस क्रिकेट से शुरुआत की. और प्रवीण तांबे के ऊपर फिल्म बन रही है, ये हमारे महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है, भारत के लिए गौरव की बड़ी बात है. हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी टेनिस क्रिकेटर टेनिस बॉल से खेलते हैं, चाहे टेनिस बॉल, टेप बॉल, कोई भी ब्रांड हो, यू शुड वॉच कौन प्रवीण तांबे. तर श्रेयस कदम योग्य वेळ आहे, श्रेयस कदम यांची येण्याची टीम मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला वेगात फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता, पॉईंटच्या दिशेने बॉल जाईल, तत्परतेने तिकडे गुल्ले आले परंतु थ्रो थोडासा बाजूला गेला आणि एक धाव तिकडे घेतली गेली. एक एक रन सर खूप महत्वाची आहे बाईच्या स्वरूपातील रन येते. देखिए अब यहां पर क्या किया जाए, नासिम गुल्ली की गेंदे तो लोग समझ नहीं पाते, उनके थ्रो को भी नहीं समझ पा रहे. क्या बात है. 4 ओव्हर झाल्यानंतर धावसफलक जर पाहिला तर 46 वर जाताना पाहायला मिळतोय, म्हणजे बऱ्यापैकी स्थितीमध्ये आहे. जर का इकडनं 20-25 रन आल्या तर चांगली स्थिती निर्माण होऊ शकते त्यामुळे. आणि थोडंसं फिल्डिंग फॅक्टर देखील महत्त्वाचा राहतोय. एक एक धावेचं महत्त्व आहे सर टेनिस क्रिकेटमध्ये आणि व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये तर आहेच आहे. सर आणखी एक गोष्ट पाहायला मिळते पहिल्या दोन्ही मॅचवरून, व्यावसायिक क्रिकेट कशाला म्हणतात, ज्या क्रिकेटमध्ये तुम्ही मैदानाचा अंदाज घेऊन टीम बनवता, खेळपट्टीचा अंदाज घेऊन टीम बनवता, लाईटचा अंदाज घेऊन टीम बनवता, किती लांबी आहे त्याचा अंदाज घेऊन टीम बनवता, आजही ते पाहायला मिळालं सर. म्हणजे खेळपट्टीचा, मातीची खेळपट्टी आहे आणि त्यानुसार टीम देखील बनवल्या गेल्यात, स्पिनर्सचा समावेश जास्त केला गेलाय. और सबसे बड़ी बात जो ट्रम्प कार्ड है, राजेश सोरटे भिवंडी प्रीमियर लीग में, राजेश सोरटे ने इसी मैदान पर जो परफॉर्मेंस किया, राजेश सोरटे का भिवंडी आना तय था. कौन सी टीम से आएगा ये किसे नहीं पता था, लेकिन सोरटे को लाए और सोरटे जो है यहाँ पर उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ है. जहाँ तक विजय पावले का सवाल है, विजय पावले भिवंडी प्रीमियर लीग पहले खेल चुके हैं, पिछले साल ये पूरी टीम यहाँ खेलने आई थी. कृष्णा सातपुते BPL खेल चुके हैं. इजाज कुरेशी इसी मैदान पर राज गोठनकर, जयदीप भोंडीवले और अनिकेत राउत की जो टक्कर हुई, बॉक्स में से डाइव मार के नीचे जाके जिंदगी बचाने वाला इजाज कुरेशी, इसका भी आना तय था. यस, बट इट इज अबाउट स्ट्राइकिंग द राइट टीम. और मेरे ख्याल से दोनों जो टीमें खेल रही है ना, परफेक्ट बैलेंस लेके इस टूर्नामेंट में उतरी है. एक तरफ धनेश डिंगडोंग और दूसरी तरफ बादशाह चीता कैम.
या वेला पहिला चेंडू जर पाहिला तर वेगात होता श्रेयस यांच्या बॅटला चकवा देत असताना यष्टीरक्षकाचा हे नक्कीच हे युद्ध पाहण्यासारखं असेल. विजय पावले वेगाचा बादशाह आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर बादशाह इलेव्हन टीम मधून सध्याच्या घरीला जर पाहिलं तर एक हेलिकॉप्टरचाही बादशाह आहे. म्हणजे एक यंग टॅलेंट पुढे आलंय गेल्या 2 वर्षामध्ये मी आणि त्या टॅलेंटने खूप प्रभावित केलं. त्यामुळे ही ओवर खूप महत्वाची असणार आहे. वेग जिंकणार की समोरच्या जर बाजूला पाहिलं अनुभव प्लस वेग आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर युवा जोश पाहिला मिळतो तो म्हणजे श्रेयस यांचा. यावेळेला पुन्हा एकदा अधिक वेगा चेंडू आणि या ठिकाणी अनुभव जिंकलाय वेग जिंकलाय माघारी परतावं लागतंय श्रेयस कदम यांना. विकेटचं पतन विजय पावले. टो क्रशर विजय पावले ने देखिए इस बार छोर बदला. सामने वाले छोर से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी. बॉलिंग एक्शन जंप ओ टो क्रशर. या तो मेरी गेंद के सामने से हट जाइए या तो फिर मेरी गेंद को इज्जत दीजिए और आउट हो जाइए. ये मैसेज वहां पर विजय पावले. और वाकई में विजय पावले की यह खासियत है जैसा आपने देखा होगा जब वो फास्ट बॉल करते हैं उसको नापना मुश्किल है लेकिन जब वो स्लो करते हैं ना उसको भी नापना उतना ही मुश्किल होता है. और इस बार तेज टो क्रशर पर LBW. ओव्हरची सुरुवात तर विजय पावले यांनी खूप चांगली केली आहे. धनेश इलेव्हन डिंगडॉंग टीमला खेळत असताना दिनू कांबळे मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. आका चिंदारे यांच्या जोडीला बादशाह इलेव्हनसाठी धावा बनवायच्या. सुरुवात तर चांगली झाली आहे परंतु क्रिकेटमध्ये सर सातत्य खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजे सातत्य तुम्ही चांगली सुरुवात करून चालत नाही शेवटही चांगलाच करावा लागतो. त्यावेळेला एक आव्हान पुढे उभं करायचं आहे आणि ते पाहूयात आता दिनू कशाप्रकारे कामगिरी करतील. कन्सिस्टन्सी बहुत जरूरी है. देखे इसको मैं थोड़ा सा फिल्मी उदाहरण के साथ लेना चाहूंगा. राज कपूर दिलीप कुमार देवानंद ये तीनों सुपरस्टार थे लेकिन जुबली कुमार था राजेंद्र कुमार जिसने 25 फिल्में लाइन से सिल्वर जुबली दी. सो कंसिस्टेंसी दिलीप कुमार राज कपूर देवानंद मुझे मत बताइए राजेंद्र कुमार जुबली कुमार इज कंसिस्टेंसी. आणि तुम्ही उदाहरण सम्राट क्या बात यार सर नक्कीच. म्हणून तुमच्याबरोबर समालोचन करताना समालोचनाचे काही वेगळेच दुनियेत जायला मिळतं. जमेत मॅचच्या दिशेने यावेळेला फुलटॉस बॉल होता त्याला ढकलण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. समोरच्या दिशेने एक धाव तिकडे घेतली जाईल. बॉल थोडासा बाजूला गेला परंतु एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय दिनू कारण परिस्थितीनुसार खेळावं लागतं. मैदानात गेल्यानंतर पहिल्याच बॉल पासून तुम्ही षटकार चौकार नाही मानू शकत. म्हणजे दिनू म्हणा मुन्ना शेख म्हणा हे अशा पठडीतले फलंदाज आहेत ते पहिला परिस्थितीचा अंदाज घेतात काही चेंडूंची वाट पाहतात आणि नंतर वाट लावतात थोडासा वेळ घेतात वाट लावण्यासाठी आणि ती सुरुवात तर दिनूने त्या ठिकाणी केली आहे. परंतु पाहूया विजय पावले यांच्या वेगाचा बोलबाला सध्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. सांगली एक्सप्रेस सांगली जिल्ह्यातील खेळाडू भिवंडीत दाखल आहे. या वेळेला वेगा चेंडू आला आणि त्याच वेगात बिर काऊन दिला गेला सीमारेषा पार 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 षटकार. व्हॉट अ शॉट हॉट शॉट. कब आई कब गई पता ही नहीं चला. और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है शियर एरोगेंस. शॉट मारने के बाद उसको जाते हुए देखना और मैसेज भेजना देख मैंने तुझे भेज दिया दैट इज एरोगेंस. सर त्याचं नाव आकाश आहे आणि गोलंदाजांना सातत्याने आकाशाकडे पाहायला लावतोय अशा पद्धतीचे फटके इथे खेळताना पाहायला मिळत आहेत. अँटोफिलला बिलॉंग करतात अँटोफिल मुंबई. यावेळेला मात्र चांगलं प्रत्युत्तर दिलं विजय पावले. ज्यावेळेला त्यांना डिवचलं त्यानंतर जर पहा त्यांचा प्रतिकार कसा होता. त्यानंतर एक अप्रतिम चेंडू त्या ठिकाणी टाकण्याचा प्रयत्न झाला. हेच असतं बॅट्समनच्या विरुद्ध तुम्ही चांगली गोलंदाजी करणार बॅट्समन आणखी द्वेषाने काहीतरी स्पेशल करण्याचा प्रयत्न करतात. बॉलरच्या विरुद्ध तुम्ही आक्रमण केलं तर ते आपला बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करतात. विजय पावले यांनी अगोदरच्या चेंडूवर तेच केलंय. दोघांमध्येही प्रचंड क्षमता आहे. आज बाली ट्रॉफी. या वेळेला जर पाहिलं तर ब्रह्मास्त्रच बाहेर काढताना पाहायला मिळालं आणि थेट बॉलने यष्टीरक्षक गाठताना पाहायला मिळत आहेत. 5वं षटक जर पाहिलं तर या ठिकाणी संपलेलं आहे आणि शेवटचा चेंडू स्पेशल जो त्यांचा ठेवणीतला होता सर तो चेंडू त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. 53 धावा फलकावर षटक 5 संपल्यानंतर बाली ट्रॉफी 2022. पिछले ओव्हर में केवळ 7 रन दिए विजय पावले ने. और सबसे बड़ी बात है कि रनों का जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें कुछ रन जरूर आकाश चिंदरिया ने बनाए लेकिन फिर भी देखिए विजय पावले को टीम शाबाशी दे रही है क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम हुआ है. 6 ओवर में ये मैदान पे 60, 65, 70 हो सकते हैं. फुलटॉस की जो बॉल है ट्रैवल हो रही है. पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी
TWJ डॉमिनेटर गुहागर पालघर आणि उमेश SSP वरळी या दोन्ही कॅप्टननी आता नाणेफेक कक्षामध्ये येऊन बसायचं आहे. धन्यवाद. आणि शेवटच्या षटकात जर पाहिलं तर पिरकेच्या जादूगराला आमंत्रित करण्यात आलंय. विजय पावले यांच्या षटकात षटकार आला जरूर, परंतु श्रेष्ठ कदम बाद झाले. केवळ 7 धावा त्या षटकात आल्या, परंतु आता शेवटच्या षटकात काय होणार. दिनू कांबळे आहेत, त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर आकाश चिंदारी आहे आणि 53 झाले. जर का 10-15 रन सरळ इकडे आल्या तर एका चांगल्या सन्मानजनक स्थितीपर्यंत टीम जाऊ शकते, तो प्रयत्न या ठिकाणी राहणार आहे. व्यावसायिक क्रिकेट इकडे कुणाचाही नंबर लागत नाही. ज्याने आपलं गाव, ज्याने आपला तालुका, ज्याने आपला जिल्हा गाजवलाय त्यांना व्यावसायिक संघात खेळाची संधी मिळते. आज भिवंडी नगरीमध्ये क्रिकेट खूप चांगल्या दर्जाचं भिवंडीत आम्ही नेहमीच पाहतो. आजही चांगलं आयोजन यावेळेला. फटका तर खेळलाय, पाहूया लांबी किती असणार आहे. दिनूच्या बॅटमधून आलेला फटका अडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी जरूर झाला, परंतु दिनूचा बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. धावा मिळतील 6-6-6. षटकार हथौड़ा चैप शॉट. दीनू कांबले जब लय में आता है तो छा जाता है. देखिए किस तरह ऑन दी राइज लपेट लिया था. और दीनू कांबले देखिए आमतौर पर दीनू कांबले रबर बॉल में ओपनर के रूप में आते हैं, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में लोअर डाउन द ऑर्डर. मेरा ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं टीम के लिए रन बनाता हूँ, बना के दिखाऊंगा. ये दीनू कांबले की पहचान है. यावेळेला पुढे सरसावष्टो खेळण्याचा जादूगाराने फसवलं. पण एक बॉल जर पाहिला तर नक्कीच मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट केला, परंतु दुसऱ्याच बॉलवर जर पाहिलं तर त्याच दिनू कांबळेला नक्कीच पॅव्हिलियनचा रस्ता दाखवला. याला व्यावसायिक क्रिकेट म्हणतात. क्या बेहतरीन कॅच योगेश मेणकर द्वारा लिया गया और दिनू कांबळे का विकेट लिया नाजिम गुल्ली ने. सुप्रीमो चषक में जिसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कार जीती हो नाजिम गुल्ली. लोग मुझे कहते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में और अर्जेंटीना में लोग लाइनल मेसी जो है ना उसके बाएं पैर का इंश्योरेंस निकालते हैं. इस वक्त अगर टेनिस क्रिकेट में कोई गेंदबाज की उंगलियों का इंश्योरेंस निकालना चाहूं तो मैं इंश्योरेंस एजेंट बन के जाना चाहूंगा नजीम गुल्ली की उंगलियों का इंश्योरेंस निकालने के लिए. गोल्डन फिंगर्स. नक्कीच खूप चांगली गोलंदाजी ते करतायत, गेली कित्येक वर्ष करतायत, हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे. वय हा फॅक्टर मी तर म्हणेल, जसं प्रवीण तांबेंच्या बाबतीत वय हा फॅक्टर नक्कीच निर्णायक नाही राहिला, तर तसाच यांच्याही बाबतीत आपण पाहतोय. आणि नाजीमच नाही तर टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप सारे गोलंदाज आहेत सर, ज्यांनी 40 नंतर 85 नंतर देखील आपल्या बुटाची जादू दाखवली. परंतु मॅच ऑन आहे. 59 धावांचा पल्ला तर गाठलाय. मैदानाच्या आतमध्ये आकाश चिंदारिया आणि त्यांच्या जोडीला युवा टॅलेंट मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे. फरदीन काझी शिवडी मुंबईचे खेळाडू, एक अँटोफिल मुंबईचे खेळाडू आहेत, तर गुजरातचे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत नाजिम गुल्ली. भव्य दिव्य असं आयोजन पाहतोय आपण. डोळे दिपवणारं आयोजन बाली ट्रॉफीचं. बाली ट्रॉफी म्हटलं तर प्रत्येकाला खेळायची असते. यावेळेला एक वेगळा फॉर्मॅट पाहायला मिळतोय आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर ही क्रीडा स्पर्धा दरवर्षी एक वेगळा मापदंड निर्माण करते. नाजीमचा हा चेंडू अप्तमच्या बाहेर, तिकडनं थोडस वळण कमी गतीने आला. आकाश पाहत राहिले आणि पाहतच राहिले. निर्धाव चेंडू येतोय सर. माइंड ब्लोइंग कंसिस्टन्सी नाजीम गुल्ली की. देखिए कमबॅक करने की क्षमता सबसे बेहतरीन. यावेळेला जर पाहिलं तर खराब बॉल होता, पाठवला सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी आणि पंचांचा निर्णय येतोय नो बॉल देखील. खूप निर्णायक असतील या 7 धावा सर. यस देखिए फिंगर स्पिनर हो या रिस्ट स्पिनर हो, लेग ब्रेक गेंदबाजों के लिए ये बड़ी समस्या है. बॉल का टप्पा अगर सही नहीं गिरा तो आपकी धुलाई हो सकती है. गुल्ली के हाथ से बॉल छूटी और आकाश चिंदरिया कहाँ मानने वाला था. आकाश चिंदरिया ने बड़े प्यार से आनंद फानंद में वहां पर सिक्स लगा दिया, लेकिन यहां पर रिव्यू लिया गया है बीमर के लिए. नो बॉल कळवला जातोय आणि हे 7 धावा आपण टेनिस क्रिकेटच्या भाषेमध्ये हा सत्ता खूप महागाचा पडू शकतो. तर पाहूया, कारण दोन्ही संघ बलवान आहे, त्या संघामध्ये देखील नामवंत फलंदाज आपण पाहतोय, त्यांच्याकडे क्षमता आहे. आज विशाल शहांना देखील आम्ही ॲक्शनमध्ये पाहतोय डिंगडॉंग संघामध्ये आणि प्रतितेश खेळाडूंचा भरणा त्याही संघामध्ये पाहायला मिळतोय. नो बॉल तर पाहूया आता फायदा घेतला जाईल का. आकाश चिंदारेने पुन्हा एकदा आकाश दाखवलं.
मैन इन फॉर्म आकाश छिंदारिया जबरदस्त बैटिंग से प्रत्यक्षिक दाखवत है। धाव संख्या जर पाहिली तर 66 झाली आहे। शेवटची ओवर सुरू आहे बादशाह 11 साठी। या वेला पुन्हा कमी गतीने बॉल होता, त्याला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर झाला होता। एफर्ट्स दाखवले जात आहेत, परंतु आकाशने दाखवलं पुन्हा एकदा आकाश 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 षटकार। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, आकाश को यकीन है कि आसमान कुछ कम है। एक नहीं दो नहीं, मारता ही जा रहा है। सिक्स पे सिक्स, सिक्स पे सिक्स, सिक्स पे सिक्स, थर्ड सिक्स बाय आकाश छिंदारिया, रादर फोर्थ सिक्स बाय हिम। 72 धावा धाव फलकावर आहेत। या वेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव तर तिकडे घेतली फरदीन आणि आकाश दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतायत। दुसरी धाव त्या ठिकाणी पूर्ण होईल का? दुसरी धाव पूर्ण केली गेली। टाळ्यांचा गजर देखील होतोय, धावांसाठीचे प्रयत्न करावे लागतात, धावांसाठीची धावाधाव करावी लागते आणि तीच या ठिकाणी केली गेली। धाव संख्या जर पाहिली तर सर 74 वर जाताना पाहायला मिळते। आकाश छिंदारे यांनी खूप प्रभावित केलंय, चार षटकार त्यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळाले। एक बॉल तर 74 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि एक मोठं आव्हान या ठिकाणी आणि 74 धावांचं आव्हान म्हणजे पहिल्या दोन मॅचमध्ये रन झाल्या नव्हत्या, परंतु अपेक्षेप्रमाणे ही मॅच रंगली आहे। दोन्ही टीम एक एक मॅच जिंकून इकडे आलेल्या आहेत। एका बाजूला बादशाह 11 चिता कॅम्प ट्रॉम्बे मुंबई आणि दुसऱ्या बरोबर जर पाहिलं या वेला पुन्हा खराब चेंडू, त्याच्यावर आक्रमण, बॉलला पाठवलं सी मा रे शा पार, षटकार। आकाश छिंदारिया 5 षटकार, 33 धावांची खेळी, त्यामध्ये 5 षटकारांचा समावेश। जबरदस्त बॅटिंग आकाश छिंदारेची या ठिकाणी बादशाह 11 साठी होताना पाहायला मिळाली आणि स्कोर जर पाहिला तर उसळी घेतली या ठिकाणी आणि बघता बघता स्कोर जाऊन पोहोचतोय 80 धावांवर आणि विजयासाठी जर पाहिलं तर 81 धावांचं आव्हान 6 षटकांमध्ये। परंतु धनेश 11 डिंगडॉंग देखील चांगली टीम आहे, टेनिस क्रिकेट जगतातील प्रतिथयश खेळाडू याही टीममध्ये आहेत, म्हणजे ही मॅच देखील रंगणार आहे। अपेक्षेप्रमाणे ही मॅच रंगणार असं वाटलं होतं आणि तेवढं आव्हान तर उभं राहिलंय, त्यामुळे ही मॅच खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे। आणि जशी मॅच सुरू होईल मी पुन्हा एकदा आवाजाचे सम्राट आणि भिवंडीचा अभिमान मी म्हणेल सिद्दीक भावे सर आणि त्यांच्या बरोबरीने नक्कीच भिवंडीचा असा एक आवाज जो तमाम भिवंडीकरांना भावतो आणि नक्कीच त्यांच्या आवाजात एक वेगळीच जादू आहे असे अजय गरज सर। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो आपण बघत आहात बाली ट्रॉफी 2022, आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स आणि ही ट्रॉफी तुमच्यापर्यंत घेऊन येत आहेत अल्ताफ बाली। मी आणि रेश्मा आता इथे उभे आहोत ते ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये। कुक फूड सर्व लव, खाना परोसिए और प्यार बांटिए, ये टॉस बॉक्स के हमारे स्पॉन्सर है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा असफर बोलिंसकर साहेब, कमर्शियल गैस सिलेंडर के बेताज बादशाह और यहाँ पर हमारे भिवंडी के माजी महापौर जावेद दलवी साहब, इनका शुक्रिया। TWJ डोमिनेटर पालघर गुहागर के कैप्टन अनिकेत राउत यहाँ पर आ चुके हैं और उमेश वरली SSP, उमेश वरली आइए SSP उमेश वरली के कैप्टन, जहां कहीं भी हो तुरंत टॉस के लिए पधारे। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले आप हमसे जुड़ जाएं। उमेश 11 SSP वर्ली के कैप्टन को रिक्वेस्ट होगी कि हमारे साथ टॉस बॉक्स में आपको ज्वाइन होना है। उमेश 11 वर्ली उमेश वरली SSP नाणेफेकसाठी संपर्क करा प्लीज। उमेश कुळे, जॅमी
या खेळाडूपैकी कोणी असेल त्यांनी प्लीज टॉस साठी संपर्क करायचा आहे। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आज और कल दो दिन खेली जाएगी। आज 5 मैचेस है, ये तीसरा मैच चल रहा है, इसके बाद 2 मैचेस बाकी है। कल दोपहर को 3 बजे से ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में आप और 4 तगड़ी टीमों को देखेंगे। कल जो टीमें खेलेगी उसमें हमारी भिवंडी की अपनी टीम नक्श 11 भिवंडी, इनको आप देखेंगे। शिरसाट स्पोर्ट्स, नगर नासिक और पुणे कंबाइन एनपीपी आप देखेंगे कल। इसके अलावा राजमुद्रा प्रतिष्ठान रांजणगांव विक्रोलियंस, इनको आप देखेंगे। और ट्राइडेंट नवी मुंबई, जहां से आप रायगढ़ टीम को खेलता हुआ देखेंगे। दोनों ओपनिंग बैटर मैदान में जा चुके हैं, कृष्णा सातपुते और इजाज कुरैशी। उमेश वरली एसएसपी नाणेफेक साठी संपर्क करा प्लीज। उमेश वरली एसएसपी नाणेफेक साठी संपर्क करा। सामना सुरू करायचा आहे आणि जेव्हा आम्ही टॉस साठी रेडी हो सिद्दीक भाई तेव्हा तुम्हाला सिग्नल देणार। धन्यवाद। धन्यवाद हरेश एंड थैंक्स रेशमा। देखिए अजय गरत, अब सही टेस्टिंग कृष्णा सातपुते की है और सही टेस्टिंग एजाज कुरैशी की है, क्योंकि लक्ष्य है 81 रनों का। जी हाँ, अग्नि परीक्षा रहेगी बल्लेबाजों की यहाँ पर अंडर फ्लड लाइट्स। 6 ओवर्स में 80 प्लस टोटल चेस करना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन बल्लेबाजी में काफ़ी फायर पावर है डिंग डोंग के। दिनेश 11 डिंग डोंग और बादशाह 11 चिता कैम्प के बीच में ये ऑल इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन का तीसरा मुकाबला बाली ट्रॉफी 2022 में। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। अजय, द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट, दिस इज द परफेक्ट टाइम कृष्णा सातपुते प्रूव हिमसेल्फ इज द क्वीनोर ऑफ टेनिस क्रिकेट। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, बादशाह 11 चिता कैम्प के पास काफी अच्छा आक्रमण है जो पहले मैच में हम देख चुके हैं। TWJ डोमिनेटर्स के बल्लेबाजों को पूरी तरह से उन्होंने डोमिनेट किया था। पहला ओवर लेकर गेंदबाज विक्रांत तैयार होते हुए, विक्रांत चव्हाण जिन्होंने पहले मैच में जरूर प्रभावित किया था अपनी गेंदबाजी से। बायत के गेंदबाज है और उनके सामने बायत के बल्लेबाज एजाज कुरैशी। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉमेंट्री बॉक्स। तर मित्रांनो, आता आपण नाणेफेक करणार आहोत आजच्या 4th सामन्याची। हा सामना अति महत्त्वाचा आहे रेशमा दोन्ही संघांसाठी, कारण जो संघ हा सामना हरेल त्या संघासाठी बाली ट्रॉफी संपणार आहे, जो जिंकेल त्याला शेवटचा सामना सुद्धा खेळावा लागणार आहे। तर अजीम अब्दुल्ले, वेलकम टू यू मॅच रेफरी। तर आम्ही बोलू इच्छितो अमिदू जमा अन्सारी साहेब, सिटी क्रिकेटमध्ये आपला तृतीय पारितोषिक ज्यांनी पुरस्कृत केलं आहे ते अमिदू जमा अन्सारी, मायरा स्पोर्ट्सचे ओनर आणि रजी कुवारी आरके फ्रीट आणि एम जे स्पोर्ट्सचे मालक। या दोन्ही गेस्टला विनंती आहे नाणेफेकसाठी आमचा ए भारत गॅस नाणेफेक कक्षामध्ये आपण उपस्थित राहायचं आहे। धन्यवाद। अमिदू जमा अन्सारी साहेब आइए और रजी कुवारी। रजी भाई माशाल्लाह व्हाइट शर्ट में आप बहुत जच रहे हैं भाई, आइए। अमिदुज़्ज़मान अंसारी, व्हाट अ सक्सेसफुल पर्सन अमिदुज़्ज़मान, वेलकम सर। टॉस कॉइन रेशमा दिखाएगी। सर, दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट, आप सभी को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर है ए बी, यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022। सर, डू दी ऑनर कॉल। गुहागर यांचा कॉल आहे, ए बी इज अ कॉल एंड इट्स बाली ट्रॉफी। धन्यवाद, अभिनंदन उमेश वरली एसएसपी, फाद दलवी मनसब मुल्ला का ये रोलेक्स मेडिकेयर का किट बैग और रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी का ये कैप आपको गिफ्ट दिया जा रहा है।
थैंक यू सो मच रजी भाई, थैंक यू सो मच अमीदुजमा भाई। जिमी नाटेकर, उनका असली नाम दिनेश नाटेकर है। दिनेश, एक चीज तो पक्की है कि पहले मैच में आप जीत नहीं पाए और बहुत सारे मोर्चे पर आपको काम करना है, ये मैच में टॉस जीतकर क्या डिसीजन लिया है और क्यों? फील्डिंग का डिसीजन लिया है और रीज़न है क्योंकि अगर कम रन देंगे तो हमारे बैट्समैन को थोड़ा इजी होगा क्योंकि बॉल ज़रा शाइन नहीं हो रहा है सामने स्टेज के वजह से, तो कम से कम में रोकने की कोशिश करेंगे और बैटिंग फिर परफेक्ट भेजेंगे, लाइंड अप करेंगे। टीम में कोई चेंज है हारने के बाद या वही टीम रखी है? नहीं, चेंज है, वो लिस्ट बना रहे अभी, वो थोड़ा चेंज है, बैट्समैन थोड़ा चेंज होगा। दिनेश, बरसों से एक चीज़ देखी आ रही है कि खार में जब भी कोई आदमी मायूस होता है तो हर आदमी अपने दिल पे हाथ रखकर बोलता है सेंटा आएगा, ज़रूर आएगा। आपको लग रहा है सेंटा आज की रात आएगा? सेंटा आ चुका है, मनीष भारे, थैंक यू सो मच। चलिए पूछते अनिकेत से कि उनका सेंटा कौन है। अनिकेत, एक दोनों टीम्स एक एक मैच हर ले आहत, म्हणजे जुनून असणार आहे की यस जिंकायचं आहे, जिंकलं नाही तर आज घरी जावं लागेल। सो काय सेंटा तुमच्यामध्ये सुद्धा आहे? सेंटा आमचे 11 प्लेयर्स आहेत, त्यांनाच परफॉर्मन्स करायचा आहे आणि पहिला सामना आम्ही हरलो आहे आणि हा सामना जिंकायचाच आम्हाला काही पण करून, कारण चांगली टुर्नामेंट आहे। मागच्या वेळी सुद्धा मी सांगितलं होतं आणि मागच्या वेळी आम्ही विनर होतो या टुर्नामेंटचे, तर विनरसारखा परफॉर्मन्स आम्हाला करावा लागेल नक्की। पहिली बॅटिंग आहे, चांगली स्कोर आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू। दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा, मे द बेस्ट टीम विन। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, उमेश 11 वर्ली SSP won the toss and choose to field first. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार इस मैच के बाद। टिल देन ओ टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू रेशमा एंड थैंक यू आरेश। देखिए विक्रांत का जो पहला ओवर था अजय घरत, उन्होंने बल्लेबाजों की टेस्टिंग भी है, क्या बोलिंग की उन्होंने? जी हाँ, गजब की गेंदबाजी, मात्र 5 रन खर्च किए पहले ओवर में और अब बचे हुए 5 ओवर्स में 76 रनों की आवश्यकता है धनेश 11 डिंग डोंग को ये मुकाबला जीतने के लिए। काफ़ी कठिन चुनौती है, एजाज का मिजाज जो है वो बहुत बेहतरीन देखने को मिला था। पिछले मैच में 37 रनों की धुआंधार पारी उन्होंने खेली थी लेकिन इस मैच में शुरुआत धीमी रही है। हालांकि विकेट नहीं गिरा है, कृष्णा सातपुते कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थोड़े लो नज़र आ रहे हैं जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए अजय गरत इतिहास उठा के देखिए, 81 का एक अच्छा टोटल रखा है डिंग डोंग धनेश कुकसे के सामने, तो मैंडेटरी पावर प्ले के जो दो ओवर हैं वो दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ओवर तो विक्रांत चौहान ने बहुत ही कसा हुआ किया है जिसमें सिर्फ 5 रन दिए, जब आस्किंग रन रेट अब काफ़ी बढ़ गया है। आवश्यक रन रेट 15.20 रन प्रति ओवर का। नेवर लेकर विकी भोईर रफ्तार के सौदागर है, मजबूत कदकाठी के गेंदबाज है और गेंद को जिस तरह से मुंह कराते हैं वो काबिले तारीफ होता है। पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी रही थी, मैन ऑफ द मैच भी बने थे, 2 ओवर्स में 14 रन देकर 2 विकेट्स। समय के मामले में अंपायर वहां पर वार्न करते हुए बादशाह 11 चिता कैम्प को। मेरे अपने दोस्त नूरुल्लाह मोमिन भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। देखिए दो अच्छे बैट्समैन, पता था 81 रन, कृष्णा सातपुते और एजाज कुरैशी, लेकिन पहले ओवर में विक्रांत चौहान ने दोनों को परेशान किया। अब देखना है कि इस ओवर में गेंदबाज को क्या बल्लेबाज परेशान कर पाएंगे या नहीं। विकी की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, खूबसूरत गेंद बैक ऑफ लेंथ बाहर की तरफ निकलती हुई टप्पा पड़ने के बाद, कमाल की रफ्तार, कमाल की गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद देखिए कितनी बाहर की जानिब बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए कटी थी और बिल्कुल कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार लाइन थोड़ी और करीब थी ऑफ स्टंप के लेकिन फिर से उंगलियां थोड़ी सी फेरी गई थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई नजर आई गेंद। इट हैज बीन अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग, यू कैन सी देयर अनदर आउट कटर फॉर द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ग्रेट फास्ट बॉलिंग फ्रॉम विकी भोईर। देखिए उंगलियां फेर रहे हैं फिर भी इतनी तेज निकल रही है गेंद, इस बार बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक, फील्डर है डीप में,
ओहो कमाल की फील्डिंग, ऐसे लगा था कि शायद ये बाउंड्री बन जाएगी लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण और केवल एक ही रन मिला है। एक फर्क नजर आ रहा है अजय गरत मुझे, बादशाह इलेवन चीता कैम की जो फील्डिंग है वो आउटस्टैंडिंग है और यही उम्मीद की जाती है प्रोफेशनल क्रिकेट में, आपकी टीम का हर एक खिलाड़ी मैच विनर होता है। रन संख्या 6, धीमी लोकल में बैठे हुए हैं इस समय सलामी बल्लेबाज, तेज लोकल पकड़नी होगी मैच को जीतने के लिए। इस बार कमजोर गेंद, बैट का फेस खोलते हुए खेला है, हालांकि टाइमिंग 100% नहीं थी। दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं कृष्णा और दो रन पूरे। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी जगह भी मिली थी लेकिन पूरा फायदा फिर भी नहीं उठा पाए और अब रिव्यू की मांग की गई है कृष्णा द्वारा। बीमर के लिए बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया, हालांकि स्लाइस किया था, देखिए ज़्यादा जोर से मारने की कोशिश की थी वहाँ पर कृष्णा सातपुते ने। कल के जो मैचेस हैं उनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूँ, ठीक 11 बजे आप देखेंगे बाली ट्रॉफी में ग्रामीण से मापोली स्पोर्ट और वड़ाल देवी इस ताडाली के बीच में मैच, उसके बाद दूसरा मुकाबला ग्रामीण से अंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ और जरीमरी काटई, और तीसरा मैच ऊपर की दोनों टीम की विजेता टीम, और 2 बजे टीमों को पहुंचना है नक्स एलवन और तीसरे अंपायर का फैसला नो बॉल, अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। तो 3 रन से यहां पर स्कोर में ऐड किए गए हैं, स्कोर 9 रन। ओ बेहतरीन शॉट हुक कर दिया है इस बार कृष्णा सातपुते ने, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद, 6 रन। ओनली कृष्णा सातपुते कैन डू इट, इस तरह का शॉट सिर्फ कृष्णा सातपुते खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या नेस्टी बाउंसर था, और ये देखिए हालांकि ये नजरें उनकी हटी थी गेंद उनके स्लॉट में, बेहतरीन हुक शॉट, गेंद कृष्णा टूर्स एंड ट्रेवल्स से बाउंड्री बाहर जाती हुई, लुक एट दैट, नजरें बिल्कुल हटी थी लेकिन गेंद उनके राडार में आ गई, लगभग उनके सिर के करीब आती हुई ये गेंद थी और अनुमान बिल्कुल सही था उनका, जिस तरह से उन्होंने बल्ला घुमाया था जरूर नजरें थोड़ी सी हट गई थी पहले ही, लेकिन बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। इस पारी का पहला सिक्सर, पलटवार शुरू कर दिया है कृष्णा सातपुते ने, रन संख्या 15। इस बार स्विंग एंड मिस, बहुत अच्छी नोकझोंक है, बहुत ही जबरदस्त जद्दोजहद चल रही है इस समय गेंद और बल्ले के बीच में। Yes. शार्प इन कटर, क्या नोकझोंक चल रही है, क्या तूतू मैमै चल रही है, और दोस्तों ये सारी गर्मा गर्मी क्रिकेट की चल रही है बाली ट्रॉफी 2022 में। विक्की भोईर का सामना करना उतना आसान काम नहीं है इस समय। धीमी गति की गेंद इस बार उठा के खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर है वहां पर, ज्यादा रन से यहां पर मिलने वाले नहीं है, केवल एक ही रन, स्कोर आगे जाता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर के बाद 4 ओवर्स का खेल बचेगा, ओवर खत्म होता हुआ पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है। पावर प्ले का जैसा लाभ उठाना चाहिए था वैसा उठा नहीं पाए हैं बल्लेबाज, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई विकेट दिनेश इलेवन डिंग डोंग टीम का गिरा नहीं है। स्कोर हुआ है 16 रन और बचे हुए 4 ओवर्स में 65 रनों की आवश्यकता है। यस, आस्किंग रन रेट को हम देखें तो 16 के ऊपर जा चुका है। ये लक्ष्मण, अमीदुज्जमा, अशफाक पनमिलकर, सऊद खतीब, सभी का हार्दिक स्वागत। कल दोस्तों ठीक 11 बजे देखना ना भूलिए बाली ट्रॉफी में ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम मापोली स्पोर्ट बनाम वड़ाल देवी स्पोर्ट ताडाली, 12 बजे हंसिका स्पोर्ट पिंपलगढ़ और जरीमरी, 1 बजे दोनों मैच की विजेता टीम खेलेंगी और 2 बजे से शुरू हो जाएगा फिर से ऑल इंडिया ओपन लीग का घमसान, नक्स इलेवन भिवंडी और शिरसाट स्पोर्ट्स के बीच में, उसके बाद राजमुद्रा विक्रोलियंस और ट्राइडन नवी मुंबई। जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ है फील्ड को पूरी तरह से खोल दिया गया है बादशाह इलेवन चीता कैंप के कप्तान द्वारा। विक्रांत आक्रमण जारी रखते हुए, बहुत खूबसूरत गेंद, टप्पा पड़ने के बाद काफी बाहर की तरफ कटती हुई गेंद थी ये, और ऑन साइड में पहले ही मन बनाकर शायद वो स्ट्रोक खेलने का प्रयास कृष्णा सातपुते का। अजय गलत बात है कि जब आस्किंग रन रेट आपके सामने बहुत ज्यादा हो तो फिर इस तरह के शॉट्स आप देखते हैं, हालांकि टिप्पा खाने के बाद गेंद में काफी मोमेंट भी रहा था। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे विक्रांत,
इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया है, करारा स्ट्रोक, लेकिन सामने फील्डर है और लॉन्ग ऑफ को काफी सीधा रखा गया है, केवल एक रन। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन ज्यादा रन मिले नहीं और थोड़ी निराश है कृष्णा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, धनेश इलेवन डिंग डोंग का 17 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में ऐसे लगता है कि शायद अब कुछ बड़े शॉट्स आएंगे या फिर विकेट मिल सकता है विक्रांत को। यस, क्योंकि बैट्समैन चाहेंगे या तो बड़ा शॉट मारा जाए या तो फिर पवेलियन वापस जाया जाए। और जिस हिसाब से विक्रांत ने गेंदबाजी की अभी तक, उन्होंने विकेट मुझे लगता है कि पका ही लिया है, बस स्वाद चखना बाकी है। अभी देखना है विकेट मिलता भी है या नहीं। फास्ट बॉलिंग का पेस बैठती है यहाँ पर बादशाह लेमन के पास। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गति परिवर्तन इस बार उठा के खेला है, ज्यादा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए और बेहतरीन फील्डिंग डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर्स का जो साथ मिल रहा है वो काबिले तारीफ है गेंदबाजों को। यस अजय, इट हैज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग एंड आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। लेकिन देखिए 140 की स्पीड के बाद आपको अगर 90 या 100 पे गेंद मिलती है तो बैट्समैन क्या कर सकता है। गति परिवर्तन भी बहुत चतुराई से कर रहे हैं विक्रांत चौहान। यहाँ से और 63 रनों की आवश्यकता है, 21 गेंदों का खेल बाकी है, बड़े शॉट्स खेलने होंगे। वही कोशिश हो रही है इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। तो जो संभावना बन रही थी वही हुआ है, जिसका डर था कहीं ना कहीं धनेश इलेवन डिंग डोंग को वही हुआ है, विकेट गिरा है। आपकी भविष्यवाणी सही साबित होती हुई, क्योंकि रन नहीं आते और रन आस्किंग रन रेट का दबाव बन रहा था, गेंद को लॉफ करना चाहते थे, गेंद बाहर की जानिब निकल रही थी, आसमान में खड़ी रह गई और कितना कॉन्फिडेंस था वहाँ पर कृष्णा सातपुते को कि विक्रांत एक कैच पकड़ के रहेंगे। हालांकि स्क्वायर था और स्क्वायर कैच फ्लड लाइट की रोशनी में इतने आसान भी नहीं होते। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा एकाग्रता उसके लिए चाहिए होती है, लेकिन कितने कूल लगे गेंद के नीचे गेंदबाज विक्रांत चव्हाण। शानदार गेंदबाजी और शानदार कैचिंग उनकी, 18 पर गिरा है पहला विकेट। सिंगल डबल से तो बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है, ये कृष्णा को भी पता था, उनको पता था कि ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है, लेकिन अपने चिरपरिचित अंदाज में बिल्कुल भी नहीं खेल पाए कृष्णा सातपुते। इस बार टाइमिंग अच्छी है लेकिन डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद, और एक ही हाथ से वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर तुरंत थ्रो भी किया, लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। एजाज कुरैशी जरूर अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं लेकिन अभी तक वो भी उस तरह से नहीं खेल पाए हैं जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है, बाउंड्री उनके बल्ले से निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन एक विकेट के नुकसान पर, और धीरे धीरे ये मैच धनेश इलेवन डिंग डोंग के लिए रोडवेज वाला नहीं रह जाएगा, एयर टिकट खरीदना होगा, फ्लाई करना होगा। नए बैट्समैन नितिन माटुंगे आए हैं, पिछले मैच में योगेश पेनकर आए थे वन डाउन खेलने के लिए। ओ बेहतरीन गेंद, ये बाहर की तरफ स्पिन हुई, गति में परिवर्तन किया गया था, बहुत ही चलाकी से गेंदबाजी की जा रही है और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। चाइना मैन थी बैक ऑफ द हैंड, मैं वही कहने वाला था कि चाइना मैन गेंद थी, क्या गेंद की है वहां पर। और तीन ओवर की समाप्ति पर रन बने केवल धनेश इलेवन डिंग डोंग के 20। ड्रिंक्स ब्रेक्स मैदान में चलता हुआ, बचे हुए तीन ओवर में यहाँ से कितने रन चाहिए साहिबा? 61 रन चाहिए, आस्किंग रन रेट 20.33। बहुत बड़ा चैलेंज है कृष्णा सातपुते के आउट होने के बाद, लेकिन कमेंट्री बॉक्स के हर चैलेंज को स्वीकार किया है वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और मुंबई और टेनिस की मैचोर आवाज़ चंदू शेट्टी जी ने। आइए देखते हैं कि होनी को अनहोनी में बदल पाती यहाँ पर धनेश इलेवन डिंग डोंग या फिर चीता कैम बादशाह इलेवन के जो 11 ये खिलाड़ी हैं ये चीते की तरह धार कर इस मैच में जीत दिलाते हैं। सुनते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या से और चंदू सेट्टे सर से। धन्यवाद सिरिक बाबे जी, यूट्यूब के तमाम दर्शकों का प्रिंस मूवीज और अल्ताफ बाली द्वारा हार्दिक स्वागत है। बाली ट्रॉफी 2022 में पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में इस वक्त 18 गेंदों में 61 रन चाहिए। चंद्रकांत एक चीज़ तो है, वर्ली के आदित्य साहेब चषक टूर्नामेंट को जीतकर 2 लाख रुपए की इनामी राशि आज से लगभग 10 दिन पहले ये टीम ने हासिल की, और विक्रांत चव्हाण ने कृष्णा सातपुते को 1 रन का जो ओवर डाला
और 7 विकेट लेकर जो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहा वो विक्रांत चौहान इस वक्त अपने जिंदगी के पर्पल पैच से जा रहा है। स्ट्रगल साफ नजर आ रहा है, मैच लेकिन खत्म नहीं हुआ, 18 गेंदे अभी भी बची हैं और रन चाहिए 61। नए ओवर लेकर आ रहे विकी भोईर, और अभी कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर। तो हाजी समद सेठ एंड से विकी भोईर, और भोईर के सामने मुकाबला करेंगे नितिन माटुंगे। पहली गेंद पटकी हुई, बहुत ही लाजवाब पेस। चंद्रकांत, जब विकी भोईर के हाथ से गेंद छूटती है ना, आप उनकी एल्बो पोजीशन को देखिए, इट्स अ डिलाइट टू वॉच, जबरदस्त। आणि त्याचबरोबर अँगल, विकी भोईर यांचा चेंडू जर पाहिलं तर अँगल बनवत मात्र आतमध्ये देखील येताना पाहायला मिळतोय, वेग त्याला अतिरिक्त धारण करताना पाहायला मिळतोय, ही खासियत राहिली त्यांची सध्या। एक और बेहतरीन गेंद, और वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था नितिन माटुंगे के पास, बल्कि उसको खेला था वहां पर एक रन के लिए। रनों का स्ट्रगल जारी है धनेश डिंगडोंग के लिए, 21 for 1, 60 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए 16 गेंदों में। गेंद और रनों के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस बार बहुत ज्यादा बाहर और वाइड बॉल। इजाज कुरैशी, पिछले एक साल में इनका फॉर्म बहुत ही लाजवाब रहा है डिंग डोंग के लिए, लेकिन आज इस मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल है। पूरी पारी में अब तक केवल 1 सिक्स लगा है। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था, डीप लॉन्ग ऑफ पर गेंद को रोका गया फरदीन के पास, 1 रन। चंद्रकांत जी, अगर पहली पारी में हम देखें 8 सिक्स लगे थे और 4 बाउंड्रीज लगे थे, चौके और छक्के मानो सूख से गए हैं। सहरा के रन में जैसे पानी की तलाश हम करते हैं, वैसे चौकों और छक्कों की तलाश में इस वक्त धनेश डिंगडोंग 23 पर 1। इस बार भी ड्राइव किया, 1 रन और। बड़े स्ट्रोक खेलने ही नहीं दे रहे, लाइन और लेंथ पर अचूक गेंदबाजी। जखडून ठेवणं म्हणतात ना, ती गोष्ट या ठिकाणी सध्या पाहायला मिळते। हात खोलू दिले जात नाहीये, परंतु ते हात खोलावे लागतील। बाली ट्रॉफी सारखी एक मोठी स्पर्धा आहे, आणि असं नाहीये या दोन्ही फलंदाजांमध्ये ती क्षमता आहे, या क्षणी देखील सामन्याचा पडदा ते फिरू शकतात। इजाज ने इस बार हरकत तो ली है, लेकिन बरकत दे दी अपने ओपोनेंट को, और वापस लौटे इजाज कुरैशी। रन नहीं बनने का फ्रस्ट्रेशन, और विकी भोईर के किटी में आता हुआ एक और विकेट। सर, तुम्ही अचूकता दाखवणार तर यश मिळणं तुम्हाला स्वाभाविक आहे। पहा, विकी आपल्या प्रॉपर लाईन अँड लेंथने गोलंदाजी करत होते, फलंदाजांची स्ट्रेंथ ओळखून गोलंदाजी करत होते। फलंदाजांना चूक करण्यास स्वाभाविक, ज्यावेळेला रन येत नाही त्यावेळेला फलंदाज काहीतरी वेगळं करायला जातात, तेच या ठिकाणी झालं। फलंदाजाला चूक करायला भाग पाडलं आणि पॅव्हिलियनच्या दिशेने देखील पाठवलं, विकेटचं पतन। मुंबई का वडापाव और लोनावला की फेमस है चिक्की, मुंबई का वडापाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। भोईर विकी के सामने डिंगडोंग की बल्लेबाजी एफी की। नए बैटर है विशाल शाह, आई थिंक विशाल शाह बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजे जाने चाहिए थे, उसका जो करंट फॉर्म है उसके मुताबिक ही कुड हैव कम एज एन वन डाउन बैटर। इस बार बेहतर बॉल थी, और अंपायर शकील कोटी ओवर समाप्ति की घोषणा करते हुए, अब गेंदें बची है 12 और रन चाहिए कुल मिलाकर 57। 24 रन बने हैं 4 ओवर में, और आप इसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हैं चंद्रकांत, 24 गेंदों में 24 रन बने हैं और 2 विकेटें खोई है।
सर अतिशय तिखट मारा या ठिकाणी चालू आहे, विशेष म्हणजे विकी भोईर त्याचबरोबर विक्रांत आणि सुलतान सारखा गोलंदाज देखील आज समावेश केला या संघामध्ये आणि त्याचमुळे की काय ही टीम अलीकडच्या कालावधीमध्ये व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये मी वरळीला देखील उल्लेख केला होता एका संघाची भर पडली आहे व्यावसायिक संघामध्ये टॉप म्हणजे बादशाह इलेव्हन अर्थातच फोर स्ट्रायकरनं देखील या नावाने देखील हा संघ खेळला जातो तर खूप चांगली कामगिरी या ठिकाणी केली आहे परंतु आता मॅच जवळपास औपचारिकतेच्या दृष्टीने जरूर चालली आहे परंतु क्रिकेट आहे काही होऊ शकतं एका बाजूला जर पाहिलं तर नितीन माटुंगे आहेत आणि त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर हा हंगाम ज्या खेळाडूने गाजवला आहे नवी मुंबईचा खेळाडू आपल्याला बॅटिंगसाठी पाहायला मिळतोय नवी मुंबईच्या घनसोलीचा विशाल शाह 12 बॉल 57 रन सुलतान के नेवर की पहली गेंद सीधी सटीक गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई रन बनना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त और बादशाह भाई स्वयं विकेट कीपर के रूप में 11 गेंदों में 57 रन अंपायर शानू कुरैशी का वाइड बॉल का इशारा 11 गेंदे 56 रन ज्यादा पटक कर करने का प्रयास और नुकसान होता हुआ 11 बॉल्स 56 टू विन इस बार तेज गेंद और आउट हो गए विशाल शाह कॉट बिहाइंड और यहां पर एक और उम्मीद खत्म होती हुई एक और अचूक गेंद दबाव या ठिकाणी पाहायला मिळतोय स्पष्ट सर कारण रन येत नव्हत्या मोठमोठे फटके खेळायचे आहेत आणि ही विकेट तेवढी सोपी नाही आहे की आपल्याला पाहिजे तसे स्ट्रोक खेळू शकतो इकडे इकडे खराब बॉलची तुम्हाला वाट पाहावी लागेल जशी आकाश चिंदाऱ्याने पाहिली होती आणि तेच करण्याच्या प्रयत्नात एक मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात विशाल देखील माघारी परत आहेत और यहाँ पर पूरी तारीफ करनी होगी आकाश चिंदारिया की जिस तरह उन्होंने आज पारी खेली बहुत ही उम्दा पारी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 5-6 अकेले लगाए और 14 गेंदों में 33 नाबाद की पारी जो उन्होंने खेली वही निर्णायक रही नए बैटर आ रहे हैं अब आकाश तारेकर 10 गेंदों में 56 बहुत मुश्किल है गेंदबाजी में ढीलापन यहां पर काफी महंगा पड़ रहा है नाजिम गुल्ली के आखिरी ओवर में 26 रन आए और वो बोनस के 26 रन महंगे पड़े स्पेशल 26 10 बॉल 56 9 बॉल 56 सुल्तान खान का टप्पा भी आप देखे विकी भोईर का टप्पा आपने देखा सुल्तान खान का टप्पा देखा हमने विक्रांत चव्हाण का टप्पा देखा टेनिस क्रिकेट एक अच्छे टप्पे का ही क्रिकेट है इसीलिए लोग याद रखते हैं अच्छा टेनिस क्रिकेट का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा इस बार ड्राइव कर दिया एक रन और चंद्रकांत एक सबसे बड़ा फर्क है पूरी पारी में अब तक केवल 1 6 लगा है सर आज गोलंदाजांचा फौज फाटस घेऊन आली आहे बादशाह इलेव्हन टीम फुल विचार करून आली आहे कारण अजून बिलाल शेख आहे राहुल जोगाडी आहे बादशाह और वाकई में अगर आप बादशाह है तो आपकी बादशाहत आपको दिखानी चाहिए और वही हुआ कहीं ना कहीं बादशाह के सामने अपना इक्का रखने में कामयाब नहीं हो पाए धनेश डिंगडोंग एक और बेहतरीन गेंद यहां पर बिल्कुल चैनल के बाजू से व्हाट अ बॉल ओहो अनप्लेएबल निप बैकर 5 ओवर 26 रन 3 विकेट और अब आखिरी ओवर लेकर आ रहे मेरे ख्याल से किरण पवार को मौका दिया गया है अब ये भी एक नई चीज हम देखने जा रहे हैं किरण पवार कमिंग इन टू बॉल सो एक बात तय है कि आज का आखिरी मुकाबला धनेश डिंगडोंग को खेलना ही होगा अगले मैच की विजेता टीम से धनेश डिंगडोंग का मुकाबला रहेगा जो आज रात का आखिरी मैच रहेगा लेकिन इस मैच को जीतकर बादशाह चीता कैंप सेमीफाइनल में अपना दावा
पेश कर लेगी। छह बॉल 55 रन, टोटली वन साइडेड मैच। एक रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, तीन विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों विभाग में, तीनों डिपार्टमेंट में वहां पर आउटप्ले किया है अपने ऑपोजिशन को बादशाह चीता कैंप ने। इस बार ऑन द राइस खेला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद हवा में रही लेकिन एक से कुछ नहीं होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 for 3। लास्ट ओवर, अगली मैच की दोनों टीमों को तैयार रहना है, मैच खत्म होते ही आपका मैच स्टार्ट होगा। भारी सिरा और अब किरण पवार को भी विकेट मिलता हुआ। यह सबसे बड़ा फर्क है चंद्रकांत जी, एक और जहां छक्के लग रहे थे, लूटमार थी रनों की, वहीं पर रनों के लाले पड़े धनेश डिंगडोंग को। किस तरह ये विकेट गिरा, लेग कटर, बहुत ज्यादा बार टर्न होने वाली गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला और आकाश आउट। 4 for 2 और अब आ चुके शुभम मोरे। खूप चांगली कामगिरी, म्हणजे फलंदाजांनी जी चांगली कामगिरी केली त्यावर गोलंदाजांनी साथ चढवण्याचं काम या ठिकाणी केलंय आणि त्यांना क्षेत्ररक्षकाने दिलेली साथ तेवढी खूप महत्त्वाची राहिली। या टीममध्ये आणखी एक फॅक्टर महत्त्वाचा आहे, यंगस्टर्स, म्हणजे यंगस्टर्सचा भरणा खूप मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतोय। त्यामुळे क्षेत्ररक्षणातील ज्या ज्या पहिल्या डावात काही धावा आल्या सर क्षेत्ररक्षणाच्या, परंतु या डावात जर पाहिलं तर त्या वाचल्या। इस बार बॉल हवा में, किरण पवार कोशिश कर रहे हैं वहां पर, एक और खिलाड़ी भी कोशिश करता हुआ, फाइनली दे टेक इट, एक और विकेट फरदीन काजी। फरदीन काजी ने क्या कैच लिया, आदित्य साहब चषक के बेस्ट बैटर रहे थे फरदीन काजी, और जब काजी हो राजी तो वो दूर कर सकता है टीम की नाराजी और जिता सकता है टीम को बाजी, वो है फरदीन काजी। क्या बॉडी बैलेंस था। नए बैटर है विजय पावले, बहुत आसान विजय रही यहां पर बादशाह के लिए। सुपर हिट कॉम्बिनेशन आदित्य साहेब चषक के बाद और बेहतरीन प्रदर्शन मैच दर मैच बादशाह 11 चीता कैंप। वाइड बॉल, विनिंग शुड बी अ हैबिट ऐसा कहा गया है और पिछले 15 दिन में यह टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाता रहा है। दो गेंदें और बची है, किरण पवार की अगली गेंद, यहां पर नितिन माटुंगे ने हुक कर दिया है, फाइनली एक सिक्स आता हुआ चंद्रकांत। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट में इस वक्त एक चर्चा जरूर है, जैसे शेन वॉन सचिन तेंदुलकर के कॉन्टेस्ट की चर्चा थी, कृष्णा सातपुते विक्रांत चौहान इज द कॉन्टेस्ट ऑफ 2022। तो यहां पर एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन मैच खत्म होता हुआ भव्य विजय हासिल की है और मुबारक हो सेमीफाइनल में प्रवेश यहां पर करते हुए बादशाह 11 चीता कैंप मानखुर्द मुंबई। और अगले मैच की विजेता टीम आज के आखिरी मैच में धनेश डिंगडोंग से मुकाबला करेगी। आइए चलते इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, शुक्रिया। और खेल की जब शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर आएंगे मेरे काबिल दोस्त सिद्दीक बाबे। Thank you so much, Pandurang Dharma Patil, commentary box, Chandu Shetty sir, and now I request Harish Pandya sir to please, mere sath aapko bhi join hona hai presentation ceremony ke liye. Namaskar, adab, kem, chok, kasak kai, a very warm welcome to Altaf Bali presents Bali Trophy 2022 organized by Pioneer Sports. Aaj ka hai hamara 9th day. और आप देख रहे हो ऑल इंडिया ओपन की लीग, और एक मैच खत्म हो चुकी है और हम चल रहे हैं अभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए।
प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब सैयद फुरकान, फयाज अंसारी, नूर बेग, सैयद अनीस, जायद भाई, हसनैन भाई, सऊद खतीब, अशफाक मनवेलकर, शेरू भाई, डॉक्टर जरार खरबे और जनाब नौशाद हनी। सारे तमाम हमारे मेहमानों को रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाना है। अगले मैच को स्टार्ट करें प्लीज। उमेश इलेवन वर्ली एसएसपी आपको मैच शुरू करना है। आइए तमाम हमारे गेस्ट, पाइनियर के दो एक्स कैप्टन सऊद खतीब अशफाक पनवेलकर साहब, डॉक्टर जरार खरबे, आइए नौशाद हनी साहब। पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसे स्पॉन्सर किया महबूब गोरी साहब ने, गोरी फॉर्म सेंटर का ये अवार्ड। आइए जानते हैं किसे मिला है। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू फरदीन फ्रॉम टीम बादशाह, बादशाह 11। फरदीन काजी अपना कैच ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए आए। जब काजी हो जाए राजी तो जिता सकता है बाजी। आइए महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर का स्पॉन्सर किया गया ये तकिया आपको डॉक्टर जरार खरबे दे रहे हैं। फरदीन भाई ये तकिया लेकर जब आप सर के नीचे रखोगे ना ऐसी नींद आएगी। आइए आज तो खुश भी बहुत है, कंग्रेचुलेशंस। आइए अब सारे इनामात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जानते हैं रेशमा से हु इज MOM मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 14 बॉल्स में 33 नॉट आउट बनाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आकाश चिंदारिया, बादशाह 11 टीम से। एंटॉप हिल का खिलाड़ी है आकाश चिंदारिया। रेशमा आपकी जानकारी के लिए बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो एक दिन में दो मैन ऑफ द सीरीज जीतते हैं। आकाश इसके पहले जीत चुके हैं। आकाश आप वहीं खड़े रहिए, गेस्ट आपके पास आएंगे। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप शादी के रिसेप्शन में खड़े हैं और यहाँ कैमरे के सामने देखिए मेहमान आप तक आएंगे। आइए सबसे पहले नौशाद हनी साहब, शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम का एक गिफ्ट टेम्पर आपका हुआ। आइए अब मैं हमारे एक और गेस्ट से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर तौसीफ शेख महापोली का एक गिफ्ट टेम्पर हसनैन खरबे साहब इन्होंने दिया है। शेरू केटर्स के शेरू भाई, एवन एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखीवली का गिफ्ट टेम्पर आपका हुआ। पाइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब, एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर की स्पॉन्सर की गई कैप आपको पहना रहे। अनीस सैयद साहब, अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पाइनियर स्पोर्ट्स का एक गिफ्ट टेम्पर आपको इनायत करें। अब सऊद खतीब साहब से गुजारिश है, आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स का स्पॉन्सर किया गया ये क्रिकेट बैट, 5 सिक्स लगाए नाबाद रहे। जैद भाई और नूर भाई द्वारा अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी का स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट आपको तोहफे में तकसीम कर रहे हैं। डी साकरिया का ट्रेंडी बैग अब आपको दिया जा रहा है, ये वो बैग है जिसमें आप इनाम घर ले जाइए। और सबसे आखिर में डॉक्टर जरार खरबे, भिवंडी के एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर साहब, इनके शुभा तो एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। तमाम गेस्ट से गुजारिश है कि अब आप स्टेज पर आ जाएं। आकाश आपको 2 मिनट रुकना है। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज फॉर जॉइनिंग अस एंड हियर विद अस मिस्टर आकाश। आकाश आपने तो सारे बॉल्स को यही सोचा था कि आकाश में ही उड़ा दूं सिर्फ। नहीं मैम, अच्छे टीम के साथ खेलना, अच्छा क्रिकेट खेलना, तो बस यही था कि अच्छा खेलना है उनके सामने, अच्छी टीम थी। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी टीम थी सामने की और अच्छे टूर्नामेंट में अच्छा मैन ऑफ द मैच लेना, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। और ये टूर्नामेंट के लिए बारे में बोलना चाहूँगा, ये बाली सर जो हर साल रखते और हर साल हम आते इधर और बहुत अच्छा लगता है।
और मैं शुक्रिया बोलूँगा बादशाह इलेवन के लिए जो उन्होंने हमको इधर खेलने के लिए दिए, और राहुल भाई और हमारे अहमद भाई ये सपोर्टर है हमारे। आज दुबई में जश्न होगा? यस यस यस। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मुंबई में बहुत सारी हिल है, मलबार हिल है, गिलबर्ट हिल है, लेकिन सारी हिल भूल जाइए, एंटॉप हिल को याद कीजिए, क्योंकि आकाश सिंदरिया एंटॉप हिल का बॉय है। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। सो ये थे मैन ऑफ द मैच, हीरो ऑफ द मैच आकाश हमारे साथ। फिर से एक बार हम चलेंगे हमारे कंट्री बॉक्स के पास, जहां पे एक ऑन गोइंग मैच का नजारा आपको दिखाएंगे हमारे सतीक बाबे सर। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम।